हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उज्ज्वल त्रिपाठी आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है भूगोल का, और भूगोल से हमने 60 से 70 प्रश्न लिए हैं, और यह प्रश्न जहां भी जीके का क्वेश्चन पूछता है, इस वीडियो के माध्यम से 2-3 प्रश्न आप लोग को एकदम कंफर्म मिल जाएगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और पहला कौन सा स्थान है, किस देश का स्थान है पहला? तो रूस देश का। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, और पहला चीन का है। अगला है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? नेक्स्ट देखिए, तो म्यांमार देश से अलग करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती हैं? यह एक ही नाम है, तो श्रीलंका देश से अलग करती हैं। संपूर्ण भारत नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सा रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यह सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो यह 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है पूरा भारत का। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, जिसका जो है चौड़ाई बोल सकते हैं, 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसको पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का 2.42% विश्व में भारत का क्षेत्रफल है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? जनसंख्या के हिसाब से अब देखा जाए तो यह 17% हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितना पॉपुलेशन है भारत, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, और पहला स्थान चीन का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और पहला स्थान
रूस देश का है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं? स्थल मतलब कि जहाँ पर पानी से कोई संबंध नहीं है, स्थल सीमा है, तो बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान देश स्थलीय सीमा से साझा करते हैं। और भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जल से मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश और ये स्थल सीमा भी है और जल सीमा भी है, ठीक। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बताए हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8°। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। कभी कभी इलाहाबाद न देकर मिर्जापुर ऑप्शन में दे देता है, तो हम लोग मिर्जापुर ऑप्शन को चुन सकते हैं, गलत नहीं होगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर जो कि इंदिरा पॉइंट है, तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर पर्वत और पहाड़ी स्थित है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जो समुद्र तट से साझा करते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बता चुके हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट अभी बताए हैं पिछला, जो कि सबसे दक्षिणी पॉइंट है हम लोग का, भारत के सबसे दक्षिणी छोर है जो भूमध्य रेखा के सबसे भूमध्य रेखा के निकट है, इंदिरा पॉइंट जिसको कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट को पूर्वी समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक कोंकण तट स्थित है। लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल के द्वारा स्थित है। न्यू मुरद्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप समूह
कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव रह सकते हैं और रहते भी हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन, जो बर्फ के चादर से ढका हुआ है इसीलिए सफ़ेद पानी कहा जाता है उसको। तो सफ़ेद पानी सियाचिन को कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आक्साई चीन कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये मिस प्रिंटिंग है, ये बदल के 9 हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 9। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र में दादर और नगर हवेली स्थित है। किस राज्य के पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर जो है जो राजस्थान में स्थित है उसको जो है मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। और भी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पर्यावरण का इतिहास का भूगोल का सभी का जो है आप लोग का PDF के माध्यम से वीडियो मिल जाएगा। और यह PDF अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो यह वीडियो का PDF मिल जाएगा। मेरा WhatsApp नंबर है 8354909913। मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देंगे तो हम यह PDF जो है आपको भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।